देखो आज हम बात करेंगे पाइलिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, जो पाइलिंग स्ट्रक्चर करते हुए जो बुनियादी गलतियां हम करते हैं और गैर इरादी तौर पे वो गलतियां हमसे होती हैं जो बाद में फिर हमारे लिए प्रॉब्लम का बाइस बनती हैं। हमारे घर सेटलमेंट्स होते हैं, हमारे घर में क्रैक्स आते हैं, पूरा स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज होता है। एक बेसिक चीज़ है, जिस वक्त आप प्लॉट खरीदते हैं सबसे पहला उसका जो फेस है वो सॉइल टेस्ट है। जब सॉइल टेस्ट पे आप डिटरमिन करते हैं कि मेरे इस प्लॉट पे 20 फीट की फिलिंग है, लाइक हम इस प्लॉट पे खड़े हुए हैं यहाँ पर 15 से लेके 20 फीट की फिलिंग थी, और जब इसकी जो नेचर ऑफ लैंड है वो गैड़ा की लैंड है, उसके अंदर बहुत सारा स्टोन है, क्रश है और सैंडी नेचर एक्चुअली ये इस लैंड के अंदर है। तो इस लैंड के अंदर जिस वक्त हम आपने एक सॉइल टेस्ट वाले ने एक डिटरमिन कर दिया, उसने एक रिजल्ट दिया आपको कि 15 से 20 फीट फिलिंग है, तो आप अब जो बेसिक गलती करते हैं जो कि आपको नॉन प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर एडवाइस करते हैं कि नहीं सर कुछ नहीं होगा, आपके घर को हम जिम्मेदार हैं, आप इस पे जो पाइलिंग मशीन नॉर्मल यूज़ करें और उससे हम पाइलिंग करते हैं।